हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सर्कल, ठीक है। उसमें हमने उसके टर्मिनोलॉजी के बाद में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। तो रिलेशन ये था सी इक्वल टू पाई डी, और सर्कमफेरेंस और रेडियस में रिलेशन था सी इक्वल टू टू पाई आर। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों में सिमिलरिटी है कि दोनों में दो अननोन है, तो कोई भी एक देके हमसे दूसरा पूछेगा। मतलब अगर डायमीटर दे दिया तो सरकमफेरेंस पूछेगा, या सरकमफेरेंस दे दिया तो डायमीटर पूछेगा। यहाँ पे रेडियस देके सरकमफेरेंस पूछेगा, या फिर सरकमफेरेंस देके रेडियस पूछेगा। इतना सही है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। तो डायमीटर दिया है और सरकमफेरेंस पूछा है, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डी, ठीक है। डी का वैल्यू 14 हमको क्वेश्चन में गिवन है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 14 कट जाएगा, 2 टाइम्स 2 इंटू 22, 44 ये आंसर आएगा। अच्छा, सरकमफेरेंस का जो हमको यूनिट लगाना है वो लेंथ वाला ही लगाना है, क्योंकि सरकमफेरेंस सर्कल के लेंथ को डिनोट कर रहा है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। इस बार हमको रेडियस दिया है और सर्कमफेरेंस पूछा है, तो रेडियस और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, और वैल्यू रख देंगे 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह 35 सेंटीमीटर। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 7, 35 से 5 टाइम्स, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे 5 5, तो 5 बचेगा, फिर 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 इंटू 22 220 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले में रखना है, आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 198 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड डायमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे क्या करेंगे कि एक बार सर्कमफेरेंस और डायमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार सर्कमफेरेंस और रेडियस का, तो वो करने की हमको जरूरत नहीं, केवल एक या तो डायमीटर या रेडियस वाला फॉर्मूला लगाओ। बाकी रेडियस और डायमीटर में तो रिलेशन हमको पता ही है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो वहाँ से निकाल लेंगे, या फिर अगर डायमीटर निकाल लिया तो उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो दो बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमने रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दिया मान लो, तो c इक्वल टू 2 पाई आर, सी की जगह 198, सर्कमफेरेंस का वैल्यू 2 की जगह 2, 22, पाई की जगह 22/7, और r की जगह r, निकालना क्या है r, तो बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो 1/2 नीचे जाएगा, ये रिवर्स होकर इधर जाएगा, हाँ इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर, ये क्या है रेडियस। अब हमको डायमीटर भी निकालना था, तो डायमीटर रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो हमने डबल कर दिया तो डायमीटर आ गया, ठीक है। ये सर दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओगे तो भी ये आएगा, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। या पहले हम लोग डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा लेते तो 63 आता, और फिर उसका हाफ कर देते तो रेडियस आ जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया है देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फ्लोट इज 7.7 मीटर्स, ठीक है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस द फ्लोट विथ 3 राउंड ऑफ वायर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जैसे एक कोई भी गोल चक्कर टाइप का कुछ है फ्लोट, ठीक है, वो एकदम गोल है, जैसे बहुत सारे मकानों में आप देखा होगा, बाहर गेट के बाहर जो उनके ग्राउंड होते हैं उसमें गोल चक्कर टाइप का कुछ बना होता है, तो वैसा ही कुछ समझ लो, तो उसकी फेंसिंग करवानी है उसको, और उसके 3 राउंड लगवानी है फेंसिंग के, ठीक है। मतलब उसमें 3 बार जो भी फेंसिंग है उसको 3 बार घुमाना, तो उसने दिया है 1 मीटर का कॉस्ट इतना आएगा, ठीक है। मान लो उसका जो हमने लेंथ निकाला, उसका सर्कमफेरेंस जो आएगा वही उसका लेंथ होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे हम लोग फेंसिंग कराएंगे, तो उसका लेंथ मान लो सर्कमफेरेंस का लेंथ आ गया 100 मीटर, तो 1 मीटर का 50, तो 100 मीटर का कितना आ जाएगा, इंटू 50 कर देंगे, तो हमको इसमें क्या निकालना है, हमको
उसके सरकमफेरेंस का लेंथ निकाला जहां पे फेंसिंग करवानी, ठीक है। तो सरकमफेरेंस पे फेंसिंग होगी, अंदर नहीं करवानी, तो हमने सरकमफेरेंस निकाला। अब ये रेडियस दिया है तो सरकमफेरेंस आ जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दिया 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22.7 और आर की जगह 27.7। सॉल्व किया तो 48.4 मीटर, ये क्या आया, उस सर्कमफेरेंस का लेंथ, या फिर उस टोटल जो मतलब वो फ्लोट था सर्कुलर, उसके जहाँ पे फेंसिंग करानी है उसका लेंथ आ गया। मतलब हमको एक राउंड में इतने लंबर इतने मीटर लंबाई का वो फेंसिंग लगानी है, ठीक है। तो ये तो एक राउंड की हो गई, बट उसने 3 राउंड बोला, तो ठीक है। तो हम लोग ये 3 से यही मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में। तो पहले उसने क्या किया था, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग इज दिस, ठीक है, उसकी सरकमफेरेंस के बराबर जरूरत पड़ेगी। द कॉस्ट ऑफ 1 राउंड ऑफ फेंस, ठीक है, पहले उसने 1 राउंड के लिए कॉस्ट निकाल दिया, तो 1 मीटर के लिए 50, तो इतने मीटर के लिए इतना, इसलिए 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 रुपीज आ गया। अब ये तो 1 राउंड का हुआ, हमको चाहिए 3 राउंड के लिए, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 7260 रुपीज। तो इतना उसको पैसे लगेंगे फेंसिंग करवाने के लिए 3 राउंड के, ठीक है। तो ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो इस क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि फेंसिंग कहाँ करवानी है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, वो निकाल के देखेंगे, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज 0.7 मीटर, ठीक है। हाउ मैनी रोटेशन व्हील व्हील कंप्लीट वाइल ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है, एक बस जो है उसका व्हील का रेडियस दिया हमको, अच्छा रेडियस नहीं है डायमीटर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, नहीं तो सॉल्यूशन में देखो ये उसने एज अ डायमीटर यूज कर रखा है, तो ये रेडियस नहीं होगा डायमीटर होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, नहीं तो अगर रेडियस मानोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, उससे कुछ अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है डायमीटर दिया हुआ है, तो बोला है कि जो बस का व्हील है उसका डायमीटर इतना है, तो वो बोल रहा है कि उसको कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर वो 22 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब देखो एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो अगर हम निकाल ले, तो 22 किलोमीटर चलने में कितने राउंड लगेंगे वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम है, उससे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये पहिया है, ठीक है, वो यहाँ पे अभी ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है ये जो पॉइंट बना हुआ है। अब क्या क्या हमने इसका रोटेशन स्टार्ट किया, तो ये वाला जो पॉइंट है अब इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये वाले पॉइंट, तो थोड़ा सा रोटेट किया तो यहाँ वाला जो पॉइंट है वो ये चल गया और ये डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हमने और रोटेट किया तो ये पॉइंट बढ़ के यहाँ आ जाएगा, और फिर हमने और रोटेट किया तो पॉइंट वापस ग्राउंड को टच कर दिया, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस चला उसमें क्या हुआ, इस व्हील का 1 रोटेशन पूरा हो गया, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो चला है उसमें इस व्हील का 1 रोटेशन, तो ये जो डिस्टेंस आया वो 1 रोटेशन में कवर्ड डिस्टेंस आ गया, मतलब एक रोटेशन जब पूरा होगा तो इतना डिस्टेंस कवर्ड होगा। अब ये डिस्टेंस अगर हम निकाल लिए तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस इसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगा। वो कैसे, वो ऐसे देखो, ये वाला जो था एक तरह से, इसको अगर हम ये वाला जो टच कर रहा है वो कौन कौन से, ये वाला टच करेगा, इसको 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 टच करेगा, वापस इसको टच करेगा, ठीक है। तो ऐसा ही ये जो टच करते 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 इसका एक राउंड जो पूरा होगा, तो इसके पूरे सरकमफेरेंस को ये ग्राउंड से टच करने के बाद ही एक राउंड पूरा हुआ, यहाँ पे टच करता रहेगा इस ग्राउंड को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो इसके
सरकमफेरेंस के बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक राउंड में वन सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर किया है इसने। ठीक है, वन रोटेशन इक्वल टू लेंथ ऑफ वन सरकमफेरेंस। तो हमने क्या किया, इसका सरकमफेरेंस निकाल लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना वो डायमीटर दिया है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 0.1 बचेगा, 22 मीटर। मतलब ये एक राउंड में 2.2 मीटर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ में आ जाएगा, व्हेन द व्हील कंप्लीट्स वन रोटेशन इट क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ 2.2 मीटर। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन हो गया। तो वन रोटेशन इक्वल टू वन सरकमफेरेंस। ठीक है, तो हमको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 22 किलोमीटर। ठीक है, तो यूनिटी मीटर लग जाएगा। मतलब हमको पूछा है नंबर ऑफ रोटेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि 22 मीटर, सॉरी 2.2 मीटर में कितना हो रहा है, वन रोटेशन। ठीक है, तो 22 किलोमीटर में कितने रोटेशन होंगे, 2.2 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 22 किलोमीटर था। बस नीचे हमारा मीटर है, इसलिए किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 22,000 मीटर हो गया। नीचे 2.2 मीटर है, फिर एक और पॉइंट हटाने के लिए हमने एक और जीरो बढ़ा दिया ऊपर, नीचे 22 आ गया, 22 से 22 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 10,000 रोटेशन। ठीक है, तो अगर व्हील का जो डायमीटर था वो 0.7 मीटर था और उसको 22 किलोमीटर चलना था, तो उसको 10,000 रोटेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके वो 22 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। ठीक है, अब आप लोग अपने साइकिल के रोटेशन भी निकाल सकते हो कि आप अपने साइकिल से 1 किलोमीटर चलना है आपको, तो आपका जो साइकिल का व्हील है वो कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा, वो निकालोगे एकदम परफेक्ट आएगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपके साइकिल का रेडियस, वहाँ से सरकमफेरेंस निकाल देना, और उससे जो सरकमफेरेंस आएगा उस सरकमफेरेंस से 1 किलोमीटर को डिवाइड कर देना, वो जो आएगा वही आपके रोटेशन आएंगे, और उसको आप गिन भी सकते हो चलाते चलाते, बट वो थोड़ा मुश्किल है, बट निकाल सकते हो कि इतने रोटेशन आपके साइकिल के कंप्लीट होंगे तब जाके आप 1 किलोमीटर चल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को ये हो जाए, तो उसको 10,000 रोटेशन कवर करने पड़ेंगे। ठीक है,